नमस्कार तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी अहम अपडेट हम उन तमाम यात्रियों को लेकर दे रहे हैं जहां जिनके लिए बड़ी खुशखबरी है। कल से यानी 4 जून से दिल्ली को छोड़कर बाकी पड़ोसी राज्यों के बड़े शहरों में भी अब 157 हरियाणा रोडवेज की बसेज हैं, उनकी सुविधाएँ जो सेवा है उनकी वो शुरू होने जा रही है, जहाँ पर एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए 212 और लोकल रूट्स पर चलने के लिए 223 बसें हैं वो चलेंगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में सफ़र करने वाले उन तमाम यात्रियों के लिए बेहद अच्छी और खुशखबरी भरी एक सूचना है, जो कि 4 जून से हरियाणा रोडवेज की 157 बसें पड़ोसी राज्यों के लिए भी अब चलनी शुरू होगी, जहाँ पर जयपुर, मनाली, शिमला, अमृतसर, जलंधर, हरिद्वार, अलीगढ़, मथुरा, आगरा सहित कई प्रमुख शहरों तक ये बसें हैं वो जानी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश में करीब 592 बसों के परिचालन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 212 बसें राज्य में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम है वो करेगी, जबकि 223 बसें हैं वो लोकल रूट्स पर चलाई जाएंगी। लोकल रूटों को छोड़कर बाकी सभी रूटों के लिए टिकट बुकिंग ऑनलाइन ही रहेगी। दूसरे राज्यों के लिए बुकिंग 3 जून से शुरू हो रही है। परिवहन विभाग के निदेशक वीरेंद्र दहिया का अगर बयान के मुताबिक बात करें तो उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक 2 बल्वे बसें वो चलाई जाएंगी। इसी तरह चंडीगढ़ से गुरुग्राम में भी 2 बसें चलाई जाएंगी और इसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए वॉल्वो का परिचालन बढ़ाया जा सकता है। रोडवेज के बेड़े में करीब 4,100 बसें हैं। फिलहाल करीब 15% बसों को ही चलाया जा रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 200 बसों का संचालन हो रहा था, इसमें से कुछ मिनी बसों को भी चलाया जाएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से बस चलाने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे प्रमुख नियम हैं जिनकी पालना करना बेहद ज़रूरी बस परिचालक, चालक और यात्रियों के लिए होगा। यात्रा के लिए सभी लोगों को मास्क पहनना, सैनिटाइजर रखना जरूरी है। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक सीट पर एक ही परिवार के लोग बैठ सकेंगे। बस को पहले सैनिटाइज किया जाएगा। रास्ते से यदि कोई यात्री चढ़ता है तो परिचालक उस यात्री के हाथों को सैनिटाइज करवाएगा। लंबी दूरी की बसों में टिकट ऑनलाइन ही ली जाएगी। ग्रामीण रूट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की टिकट है वो उपलब्ध रहेगी। अब आपको बताते हैं कि दूसरे राज्यों के प्रमुख शहरों के लिए जो बसों का शेड्यूल है वो भी हम जल्दी से आपको बता देते हैं। रूट चंडीगढ़ से मनाली का है, चंडीगढ़ से जयपुर जाना चाहते हैं जा सकेंगे आप। पानीपत से बिजनौर है, पानीपत से मेरठ है, रिवाड़ी से आगरा, रिवाड़ी से चंडीगढ़, सिरसा से हनुमानगढ़, सिरसा से जयपुर, पलवल से अलीगढ़, पलवल से मथुरा, चंडीगढ़ से शिमला, पंचकुला से लुधियाना, नूह से चंडीगढ़, करनाल से कटरा, करनाल से होशियारपुर, करनाल हरिद्वार, कुरुक्षेत्र से अमृतसर, कुरुक्षेत्र से मथुरा, कुरुक्षेत्र से बैजनाथ, हिसार से बीकानेर और हिसार से जयपुर। ये तमाम बसें 7 से लेकर और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा 7:40 10 तक और उसके बाद ये बसें शाम तक भी चलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही हिसार से अगर आप पौंटा साहब जाना चाहते हैं तो आपको 5 बस मिलेगी। अंबाला से शिमला के लिए 6, अंबाला से कुल्लू के लिए 8, अंबाला से धर्मशाला के लिए 8:30 से बाद, अंबाला से अमृतसर 5:50 पर, भिवानी से हरिद्वार, भिवानी से सिक्कर, भिवानी से अजमेर, चरखी दादरी से पटियाला, जींद से चंडीगढ़, जींद गुरुग्राम, गुरुग्राम से हरिद्वार, कैथल से जयपुर, कैथल से हरिद्वार, चंडीगढ़ और रोहतक चंडीगढ़, रोहतक से कोटा, सोनीपत से ब्रिजघाट, गोहाना से अजमेर, यमुनानगर से शिमला और गुरुग्राम से चंडीगढ़ वॉल्वो। ये तमाम रूट्स के यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो वो अब जा सकेंगे, जहाँ पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि अभी करीब 592 बसें ही प्रदेश में दूसरे राज्यों में चलाने का फैसला लिया गया है और धीरे धीरे इनकी जो संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। दिल्ली को छोड़कर बाकी पड़ोसी राज्यों के बड़े शहरों के लिए अब 197 रोडवेज बसों की सुविधा वो शुरू होगी, जहां पर एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए 212 बसें हैं और लोकल रूट्स पर 223 बसों के जरिए से अब आप हरियाणा रोडवेज की लारी का जो सफ़र का आनंद है वो उठा पाएंगे। अगर आपने YouTube पर तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी साथ दबाएं ताकि हर